तो नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ ये हमारे अनलॉक टूल का आगे का टॉपिक है। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं एमआई के मोबाइल फोन को। यदि हमारे पास रेडमी का मोबाइल फोन आता है, एमआई कंपनी का मोबाइल फोन आता है, एमआई कंपनी को मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर करेंगे। सबसे पहली बात, यदि रेडमी कंपनी का मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन को आप अनलॉकिंग कैसे करेंगे, रेडमी कंपनी के मोबाइल फोन को आप एफआरपी कैसे करेंगे, रेडमी कंपनी के मोबाइल फोन के अंदर आप एमआई अकाउंट को कैसे रिमूव करेंगे। जैसे मैं आज का एक वाक्य बताता हूं, एक हमारे पास ऐसा मॉडल आया था जो हम लोग जब डोंगल से मोबाइल फोन को अनलॉक कर रहे थे, तो डोंगल को अनलॉक करने में वो रेडमी का 6 प्रो मोबाइल फोन था, और जब डोंगल के माध्यम से जो हम लोग अनलॉक कर रहे थे उसमें एमआई अकाउंट लगा हुआ था। जब डोंगल के माध्यम से कर रहे थे तो 10 क्रेडिट मांग रहा था, लेकिन जब हमने अनलॉक टूल के माध्यम से किया तो उसमें कोई क्रेडिट नहीं और मोबाइल फोन आसानी के साथ में उसका एमआई अकाउंट ब्रेक हो गया और मोबाइल फोन फर्स्ट क्लास चलने लगा। तो कहीं कहीं पर हमारा यूएमटी प्रो डोंगल है वो बहुत बेहतर काम करता है, और कई ऐसी जगह जहाँ नई सिक्योरिटी की बात फंसती है वहाँ पर हमारा अनलॉक टूल भी बहुत अच्छा काम करता है। आजकल के प्रेजेंट टाइम पे अनलॉक टूल का थोड़ा सा रिस्पॉन्स बहुत बेहतर है डोंगल की अपेक्षा, क्योंकि इसके अंदर नई नई सिक्योरिटी ऐड हो रही है। तो सैमसंग एमआई के मोबाइल फोन का आप अनलॉकिंग कैसे करेंगे, एफआरपी कैसे करेंगे, एमआई अकाउंट कैसे हटाएंगे, दूसरी बात क्या है कि आप मोबाइल फोन के अंदर फ्लैशिंग कैसे करेंगे, और आज मैं आपको टॉपिक एक और बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग अनलॉक टूल के माध्यम से किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अनलॉक टूल के माध्यम से मतलब कोई भी मोबाइल फोन आता है तो उस मोबाइल फोन को हम अनलॉक टूल के माध्यम से मोबाइल फोन के फाइल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फाइल को डाउनलोड करने का तरीका क्या होता है, क्या ऐसा स्टेप होता है जिस स्टेप से मोबाइल फोन में फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक होने वाला है, सबसे पहला अनलॉक टूल के माध्यम से मोबाइल फोन अनलॉकिंग कैसे करेंगे, एफआरपी कैसे हटाएंगे, मोबाइल फोन में एमआई अकाउंट को कैसे रिमूव करेंगे, मोबाइल फोन में फ्लैशिंग कैसे करेंगे, और मोबाइल फोन में अनलॉक फाइल को मतलब अनलॉक टूल से फाइल कैसे डाउनलोड करेंगे, मतलब फ्लैश फाइल कैसे डाउनलोड किया जाएगा, आज मैं आपको वो तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो रेडमी के मोबाइल फोन के ऊपर होने वाला है, एमआई के मोबाइल फोन के ऊपर होने वाला है। हमने आपको जैसे बताया था कि हम लोग अनलॉक टूल के बारे में पूरा सीरीज लेकर गए हैं, और अनलॉक टूल के माध्यम से एक एक करके मोबाइल फोन के अंदर जो भी सारी प्रॉब्लम आती है, सारी प्रॉब्लम को ठीक करने का तरीका बिल्कुल हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा सीखने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, पूरा ए से लेकर जेड तक पूरा हम लोग बेस कंप्लीट करने वाले हैं और उसको सीखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहली बात बात करेंगे एमआई के मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर करेंगे, और एमआई के मोबाइल फोन का तरीका क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग वीडियो पर। आपके पास कोई भी एमआई कंपनी का मोबाइल फोन आता है तो सबसे पहली बात ऑप्शन आप एमआई पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप एमआई पर क्लिक करेंगे तो एमआई के लिए ओपन हो जाएगा। एमआई में सबसे पहला ऑप्शन होता है एमआई फ्लैश का, उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है सिक्योरिटी का, तो आप सिक्योरिटी के भी ओपन करेंगे, एमआई फ्लैश ओपन करेंगे। जो एमआई फ्लैश वाला ऑप्शन होता है ये मोबाइल फोन में फ्लैशिंग के लिए यूज किया जाता है, और जो सिक्योरिटी वाला ऑप्शन होता है ये मोबाइल फोन में लॉक खोलने के लिए किया जाता है। हमने आपको बताया हमारे पास जितने भी रेडमी कंपनी के मोबाइल फोन आते हैं उसमें दो तरीके के फोन आते हैं, एक तो तुम्हारे क्वालिकॉम प्रोसेसर होते हैं, दूसरा मीडियाटेक प्रोसेसर होता है। जिसमें क्वालिकॉम प्रोसेसर होता है उसमें सभी मोबाइल फोन में ईडीएल लिखा होता है, ईडीएल 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 लिखा होता है, और जिसके अंदर मीडियाटेक प्रोसेसर लगा होता है उसमें ब्रोम 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 लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे नीचे भी मॉडल में जाएंगे तो बहुत सारे रेडमी के मोबाइल फोन में यहाँ पर आपको ब्रोम का ऑप्शन दिया हुआ, देखो कितना सारा ब्रोम दिया हुआ है, तो बहुत सारा ब्रोम दिया हुआ है। जिसमें ब्रोम का ऑप्शन आता है तो ब्रोम का मतलब क्या है, मीडियाटेक है, और यदि इसमें ईडीएल लिख करके आता है तो क्वालिकॉम है। अब आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में आप लॉक खोलना चाहते हैं, मोबाइल फोन के अंदर कोई भी लॉक लगाए, पैटर्न लॉक लगाए, पासवर्ड लॉक लगाए, किसी भी तरीके का लॉक लगाए तो आप लॉक खोलना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात क्या, यदि आपके पास मोबाइल फोन ईडीएल होता है तो उसके अंदर ईडीएल पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग टेस्ट पॉइंट के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, तो उसको हम लोग शॉर्ट करा करके मोबाइल फोन को कनेक्ट कर लेते हैं। अब मोबाइल फोन को कनेक्ट कराने के बाद आप सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी के बाद जैसे मान लिया मेरे पास रेडमी का 6 प्रो मोबाइल फोन आ गया,
तो यहाँ पर सबसे पहली बात आप टाइप करेंगे, अगर नहीं टाइप करना चाहते हो तो यहाँ सर्च पे चले जाएंगे, सर्च पे यहाँ पर टाइप करेंगे Redmi Note 6 Pro। जैसे Redmi Note 6 Pro हो जाएगा तो वहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जब Redmi Note 6 Pro को आप सिलेक्ट कर लेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद उसमें मान लिया कोई पैटर्न लॉक लगा है, पिन लॉक लगा है, ऐसा कोई लॉक लगा हुआ है तो आप मोबाइल फोन का करेंगे और यहाँ पर फैक्ट्री रिसेट पर क्लिक कर देंगे। लेकिन फैक्ट्री रिसेट पर करने पर आपको उस पर टेस्ट पॉइंट जानना बहुत जरूरी होगा कि आप यहाँ पर टेस्ट पॉइंट पर जाएंगे। टेस्ट पॉइंट के अंदर आप Xiaomi में चले जाएंगे, Xiaomi के बाद यहाँ पर आप टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे, Redmi Note 6 Pro। जैसे Redmi Note 6 Pro पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बता देगा आपका कौन सा पॉइंट है, जिस पॉइंट को टच कराने से, ये देखिए बैटरी का पत्ता लगा है, बैटरी के पत्ते के बाद जस्ट दो पॉइंट दे रहे हैं, दोनों पॉइंट को शॉर्ट कराने के बाद डाटा केबल लगा दीजिए, आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अब आपका मोबाइल फोन जब कनेक्ट हो जाएगा तो मोबाइल फोन कनेक्ट होने के बाद अगर आप मोबाइल फोन में फॉर्मेट करना चाहते हैं या उसमें से कोई लॉक को तोड़ना चाहते हैं तो आप फैक्ट्री रिसेट कर देंगे। फैक्ट्री रिसेट करने से मोबाइल फोन में लॉक आपका ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन चलेगा और यहाँ पर समरी में पूरा डिटेल आ जाएगा और आपका मोबाइल फोन का लॉक खुल जाएगा। और अगर आप मान लो मोबाइल फोन में FRP हटाना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ से करने से आपके मोबाइल फोन में FRP हट जाएगी। यदि आप मोबाइल फोन में MI अकाउंट को करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, रीसेट डिसेबल MI अकाउंट। जैसे यहाँ पे आप करेंगे तो आपका जो MI अकाउंट है ये आपका MI अकाउंट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब आपके मोबाइल फोन में तीन ही तरीके का लॉक लग के आते हैं, या तो कोई पैटर्न पासवर्ड पिन लॉक लग करके आता है, या तो मोबाइल फोन में आपके FRP लॉक लग के आ जाता है, ये तो आपके मोबाइल फोन में MI अकाउंट लग के आ जाता है। तो आप मोबाइल फोन में यहाँ से MI अकाउंट को हटा लेंगे और यहाँ पर आपका मोबाइल फोन कनेक्टिविटी दिखाएगा, ऐसे लिख करके आएगा क्वालिकॉम कॉम 365 कुछ भी ऐसा लिख करके आएगा, तो इससे ये पता चलेगा कि आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो गया। यहाँ पर समरी पे पूरा डिटेल आएगा और आपका मोबाइल फोन का लॉक आसानी के साथ में खुल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो सिक्योरिटी पे जाते हैं तो सिक्योरिटी में पहला ऑप्शन है मोबाइल फोन में फॉर्मेट करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है मोबाइल फोन में FRP हटाने के लिए, और तीसरा ये आपका MI अकाउंट हटाने के लिए, आसानी के साथ में लॉक खुल जाएगा। और यहाँ से आपका कोई भी मोबाइल फोन आता है इस तरीके से Redmi के मोबाइल फोन को लॉक खोल सकते हैं, बेशक उसमें चाहे MediaTek CPU लगा हो, Qualcomm प्रोसेसर लगा हो, जो भी प्रोसेसर लगा होगा उस मॉडल को लेंगे, लॉक को खोल देंगे। अगर आप मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करना चाहते हैं तो फ्लैशिंग करने के लिए आप MI फ्लैश पर जाएंगे, यहाँ पर हम लोग स्टॉप कर दे रहे हैं। ये नीचे ऑप्शन खुला हुआ, इसको तो क्लोज कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर MI फ्लैश पे जाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर MI फ्लैश पे जाएंगे तो MI फ्लैश पे जाने के बाद सबसे पहली बात मान लिया आपको जैसे किसी भी मॉडल है उस मॉडल की मान लिया आपको फाइल डाउनलोड करनी है, तो फाइल डाउनलोड करने पर जैसे मान लिया Redmi Note 6 Pro है, इसी की फाइल हमको डाउनलोड करनी है, तो आप यहाँ पर मॉडल पर चले जाएंगे। मॉडल पे जाने के बाद जो यहाँ पर मॉडल आता है उस मॉडल को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, Redmi 6 Pro, अगर नोट आता है तो नोट ले लीजिए, Redmi Note 6 Pro आप ले ली। जैसे Redmi Note 6 Pro आ गया तुरंत वर्जन आ गया, Google Drive लिंक आ गया, आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपके स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। ये हमारा जो ओपन होता है ये हमारे इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे इंटरनेट की स्पीड कितनी है, सिस्टम की स्पीड कितनी है, ये तुरंत उसी लिंक को जाकर के यहाँ पर खोल देगा। ये किसका, Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 6 Pro की फाइल का लिंक आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये जैसे फाइल का लिंक ओपन हो जाएगा तो फाइल का लिंक ओपन होते ही आप उसको क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। अब आगे स्क्रीन खुलने लीजिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। ये देखिए ऐसा डाउनलोडिंग के लिए आपको बोलेगा,
ये हमारी पूरी फाइल को ऐसा पूरा खुल जाने दीजिए। पूरा फुल फाइल खुलने के बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, आपको क्या करना है डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोडिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, और आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे फाइल तुम्हारी 1.5 GB की है, 2 GB की है, 3 GB की है, 4 GB की है, जितना भी GB का फाइल है या जो भी उसको डाउनलोड होने में समय लग रहा है वो आपके लिए वेट करना पड़ेगा। जी देखिए आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोडिंग के लिए स्टार्ट हो गया, आप यहाँ पर डाउनलोडिंग पर क्लिक कर दीजिए। खैर इस टाइम पे फाइल नहीं डाउनलोड कर सकते, कोई सर्वर पे कोई काम चल रहा होता है, ऐसा भी कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर आप जो भी मॉडल आता है उस मॉडल की फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं चलिए दूसरे मॉडल की फाइल को कोई डाउनलोड करता हूँ, जैसे Redmi S2 ले लिया। Redmi S2 में मैंने डाउनलोडिंग पे क्लिक किया। कई बार हमारा सर्वर बिजी हो जाता है तब भी किसी कारणवश फाइल नहीं डाउनलोड हो पाती। देयर टू मेनी यूजर्स दैट व्यू द डाउनलोड दस रिसेंटली, प्लीज ट्राई एक्सेस फाइल अगेन लेटर। मतलब कई सारे यूजर हैं इस पर लॉगिन है, आप थोड़ी देर बाद ट्राई करें, या 24 आवर्स अवेलेबल अभी डाउनलोड है, ये 24 घंटे बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये दे देता है, क्योंकि इस पर बहुत सारे लोग लॉगिन रहते हैं या बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो जिस किसी कारण बस ये फाइल को हमारा डाउनलोड नहीं कर पाता। तो यहाँ से जा करके आप मोबाइल फ़ोन में फाइल को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जब फाइल को डाउनलोड कर देंगे तो फाइल डाउनलोड करने के बाद आप इसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन में फ्लैशिंग भी कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर भी डाल सकते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन में जब आप फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे तो फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपने कोई भी मॉडल है उस मॉडल का फाइल सिलेक्ट कर दिया, अगर आप फुल फ्लैश करना चाहते हैं फुल फ्लैश पर क्लिक कर देंगे। फुल फ्लैश पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप फोल्डर पर क्लिक करेंगे। जैसे आप फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो फोल्डर पर क्लिक करते ही फाइल सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। ये आपका डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। जैसे डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा तो फिर आप देखेंगे आपके कंप्यूटर के अंदर फाइल कहाँ पर पड़ी है। अगर किसी भी रेडमी कंपनी के मोबाइल फ़ोन की फाइल पड़ी होती है तो फाइल को यहाँ से जा करके आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। इमेज नाम का फोल्डर आ जाएगा, इसको आप क्या करेंगे लोड कर देंगे। पूरा फाइल हमारा क्या है यहाँ पर लोड हो जाएगा। फाइल लोड होने के बाद फिर हम लोग क्या कर देंगे, बस फ्लैश पे क्लिक कर देते हैं और आपके मोबाइल फ़ोन में फ्लैशिंग के लिए आपका मोबाइल फ़ोन स्टार्ट हो जाता है। तो इसके द्वारा हम लोग जैसे ही कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, यहाँ पर फ्लैश का ऑप्शन दिया हुआ है, कोई भी मोबाइल फ़ोन को हम लोग आज के माध्यम से आसानी के साथ में फ्लैश भी कर सकते हैं। यहाँ पर जा करके फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपने जब डाउनलोड कर लिया तो हो सकता है कि उस मोबाइल फ़ोन में FRP लग जाए, तो आप यहाँ से ऑलरेडी इस पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन में MI अकाउंट लग जाए तो आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर का कोई भी FRP वगैरह ऐसा कोई सिक्योरिटी रह जाती है तो आप उसमें टिक करके जैसे आप इस पर फ्लैश पर क्लिक करेंगे तो वो जो भी सारी सिक्योरिटी होती है वो सारी सिक्योरिटी ब्रेक हो जाती हैं। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर जो लोग इस टूल का यूज़ करते हैं वो मोस्टली अनलॉकिंग के लिए काम करते हैं, कि इसके माध्यम से आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आए तो उस मोबाइल फ़ोन को आसानी के साथ में अनलॉकिंग कर सकते हैं। तो अनलॉकिंग करने के लिए आपको सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा। सिक्योरिटी में इसके बाद ग्रूम मोड है, ideal मोड है, फास्ट बूट है, रिकवरी मोड है, फंक्शन है, डायग्नोस्टिक कोड है। डायग्नोस्टिक कोड अच्छा जो होता है, ये तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में IMEI नंबर को रीड राइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। QCN फाइल को भी राइट कर सकते हैं। QCN फाइल जो होती है जो हमारे मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क को लाने के लिए यूज करती है। कई बार QCN फाइल करप्ट हो जाती है तो फोन में नेटवर्क नहीं आता। तो हम लोग अगर मोबाइल फ़ोन अनलॉकिंग करते हैं तो ब्रूम या EDL, ब्रूम का मतलब MediaTek, EDL का मतलब Qualcomm,
फिर उसके बाद आप जो भी मॉडल आता है उस मॉडल को ले लेते हैं। मॉडल लेने के बाद अब आप क्या करना चाहते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर देंगे। जैसे फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन चालू हो जाएगा और मोबाइल फोन आपका पहले से कनेक्ट होगा, फॉर्मेटिंग आपकी चालू हो जाएगी और आपका मोबाइल फोन लॉक खुल जाएगा। अगर आपके मोबाइल फोन में FR भी तोड़ना चाहते हैं, सैमसंग को जैसे स्टॉप करेंगे, स्टॉप करने के बाद ये हाईलाइट हो जाएगा, फिर आप इरेज FRP भी क्लिक करेंगे तो ये FRP तोड़ने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप FRP भी तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो मैंने आपको वीडियो दिया, इस वीडियो के माध्यम से आपके पास Redmi कंपनी का कोई भी मोबाइल फोन आता है उसके अंदर MediaTek CPU लगा हो, Qualcomm CPU लगा हो, कोई भी लेटेस्ट मोबाइल फोन हो, पुराना मोबाइल फोन हो, जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन को आसानी के साथ में आप उसको अनलॉक कर सकते हैं, उस मोबाइल फोन में FRP को हटा सकते हैं, उस मोबाइल फोन में MI अकाउंट को हटा सकते हैं, उस मोबाइल फोन की फ्लैशिंग कर सकते हैं, या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है, सारी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोगों ने जो सीखा है कि Redmi के मोबाइल फोन यानी MI कंपनी के मोबाइल फोन को कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको रिपेयर किया जाएगा, और जो ऐसे स्टूडेंट है जो लोग अनलॉक टूल को यूज कर रहे हैं, अनलॉक टूल ले लिया है, अनलॉक टूल परचेस करना चाहते हैं, तो वीडियो के माध्यम से किसी भी तरह की हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से अगर पूरा और भी सारे टूल हैं या सॉफ्टवेयर में पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ए से लेकर जेड तक पूरा कंप्लीट सीखना चाहते हैं, जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो फिर आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पूरा टोटल 45 दिन का कोर्स सिखाते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग होती है, जिसमें पूरा कंप्लीट हार्डवेयर होता है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर होता है, UMC प्रोग्रामिंग होती है, OCA रिपेयरिंग होती है, बोर्नियो सेमेटिक से मोबाइल फोन में आने वाली सप्लाई को ढूंढना, डेड मोबाइल फोन को रिपेयर करना, इस तरीके से अनगिनत बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो सारी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप आपको रिपेयर करना आपको सिखाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी मैंने वीडियो में आपको सारा सब कुछ समझाया आप उसको अच्छे से समझ चुके होंगे और उसका अच्छे से प्रैक्टिकल करेंगे। और वीडियो में अगर आप नए और भी सारी वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल में इसी तरीके से बहुत सारी वीडियो नीचे पड़ी हैं, आप उन वीडियो को भी देखें, जिससे अगर आपको बीच से अगर कभी भी अगर वीडियो देखते हैं कोई भी वीडियो मिल जाती है तो उससे संबंधित और भी 8-10 वीडियो पड़ी है, तो उन वीडियो को देखें और अच्छे से समझें। ये दोस्तों मैंने अनलॉक टूल के बारे में मैं पूरा आपको वीडियो दे रहा हूँ, अनलॉक टूल के बारे में फुल जानकारी दूंगा, पूरा कंप्लीट जानकारी कि आप समझ लीजिए अनलॉक टूल आसानी से परचेस करके मोबाइल फोन को लॉक को तोड़ सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि सर आप हम लोग आपके पास ट्रेनिंग के लिए तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे अनलॉक टूल के बारे में सिखा दीजिए, ताकि मेरे पास जो दुकान में काम आता है वो मैं छोटे से मोबाइल फोन में लॉक करवाने के लिए बाहर जाता हूँ, किसी और के पास जाता हूँ, समय बेकार होता है, कस्टमर भी वापस चला जाता है, कहीं ना कहीं 2-4-5 सौ मिलता है तो वो भी हमारा चला जाता है। तो ये अनलॉक टूल के माध्यम से आप 3 महीने का भी ले सकते हैं, 6 महीने का भी ले सकते हैं, 1 साल का भी ले सकते हैं, 1700-1800 का मिल जाता है 3 महीने का, और अगर 6 महीने का लेते हैं तो 2500-2600 रुपये का मिल जाता है, अगर 1 साल का लेते हैं तो समथिंग 4100-4000 रुपये का अप्रोक्स में मिलता है। तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, और अगर छोटा प्रैक्टिस करने के लिए चाहे तो 1700-1800 खर्च करके बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सीख भी सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।